हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नोलॉजी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन आता होगा, आप उसे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन क्लिक करने के बाद उसकी बगल में एक बेल का भी ऑप्शन आता होगा, तो आप उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को ईजिली देख पाएंगे। तो आज मैं बताऊंगा रिलायंस जियो DTH के बारे में। तो इसके फोटो सामने आए हैं लीक होके, तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये आपको मई महीना से बाय करने के लिए अवेलेबल होंगे, जो कि ऑनलाइन से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो इसमें आपको एडवांस फीचर ऐड किए जा रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि इसका जो नाम होगा वो होगा जियो DTH वेलकम ऑफर। तो इसमें आपको 3 महीने फ्री मिलेंगे, जैसे आपको जियो सिम में मिले थे वैसे इसमें आपको 3 महीना फ्री मिलेगा। तो इसमें आपको देख सकते हैं एडवांस फीचर ऐड किए गए हैं। तो इसका नाम होगा वो होगा जियो DTH वेलकम ऑफर। इसमें आपको 3 महीना फ्री मिलेंगे, जैसा कि आपको सिम में मिले थे, लेकिन सिम में अभी भी मिल रहा है तो इसमें भी आगे आपको सब मिल सकते हैं। तो इसकी प्राइस की बात करें तो इसमें आपको 1800 रुपये का प्राइस है। इसको आपको ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ेगा अप्रैल में, और ये होगा मई महीना से आपको मिल जाएगा। तो लॉन्च होगा मई महीना में, तो इसको पहले आप बुक कर सकते हैं। तो ये ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन आप कुछ दिन में लॉन्च होने वाला है ऐसे माना जा रहा है। तो जियो TV अगर आप यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में, तो उसमें आपको पता ही होगा कि आप 7 दिन पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं। तो इसमें भी आप 7 दिन पुराने एपिसोड देख सकते हैं, ऐसा इसमें वो ऑटोमेटिकली स्टोरेज हो जाएगा। तो आप पैक करके 7 दिन पुराना स्टोरेज देख सकते हैं। इसमें आपको USB का पोर्ट मिल रहा है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर, वहाँ पर आपको USB का पोर्ट दिखाई दे रहा है, मतलब आप USB पोर्ट लगा के भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत एडवांस फीचर लाए गए हैं जियो की तरफ से। तो बता दें कि जियो का ये जो सेट टॉप बॉक्स होगा ये 3 महीने लगातार फ्री होगा, और इसमें आपको 300 से प्लस चैनल मिलेंगे, जैसे कि आपको जियो TV भी मिल रहे हैं उसी टाइप का चैनल इसमें मिलेंगे आपको। तो ये बहुत ही एडवांस फीचर्स है। इसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे और ये HD और नॉर्मल क्वालिटी के भी आएंगे, मतलब आप दोनों में यूज़ कर पाएगा, LCD या मतलब नॉर्मल TV होता है जो, उसमें भी। तो उसका रिमोट भी आप देख सकते हैं जियो TV का। तो ये कब, अप्रैल महीना से तो ये ऑनलाइन में मतलब माना जा रहा है कि अप्रैल पहले ही लॉन्च कर देगा, और आपको मई महीना से इसका बाय कर सकते हैं। तो वेट करते हैं कि कब तक ये लॉन्च करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये सब आया है, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ टेस्टिंग चल रहा है अभी इस बॉक्स का। तो टेस्टिंग होने के बाद ही जल्दी ये आ जाएगा सामने, तो देखते हैं कि क्या होता है। और मैं कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और कोई भी कोच रहे तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन है, आप उसे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली इसी तरह से टेक वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।